बस यही तस्वीरें बोकारो स्टील सिटी के जगह जगह से हम आ रहे हैं एंकर और हम दिखाते हुए चल रहे हैं आपको कि किस तरह किसान कानून के विरोध में आज पूरे देश में किसानों ने बंद का आह्वान किया है और किसानों के समर्थन में आज पूरे देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से सड़कों पर उतरी हुई है और बंद को समर्थन दे रही है। सुबह 7 बजे से ही नया मोड़ में चारों तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां पहुंच गई थी, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और CPI और जितने भी पार्टियां, तमाम लोग इस जगह पर मौजूद थे और अपने अपने तरीके से बंद का समर्थन कर रहे थे। लेकिन अभी करीबन 12 बजने जा रहा है और बहुत कड़ा धूप है, उसके बाद जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी जी यहां पर बैठे हुए हैं क्योंकि बंद का समर्थन कर रहे हैं और बैठ के समर्थन अब कर रहे हैं क्योंकि खड़ा खड़ा अब थक चुके हैं और भीके चाचा ने कहा है कि जरूर न्यूज में बताइएगा। तो अध्यक्ष जी किस तरह का समर्थन कर रहे हैं और क्यों यहाँ बैठे हुए? हिमांशु जी, चलिए आपने बहुत जगह घुमा होगा, देखा, आपने कहा कि बैठ के समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसान के अधिकार के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, पूरे देश के गैर भाजपाई पार्टी जो है किसान का आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं और उसी के तहत हम लोग आज सड़क पे उतर गए। आप देखते होंगे चास से लेकर के जैना मोड़ से लेकर नया मोड़ में हम लोग सुबह 6 बजे से ही सारे जगह में घूमने का काम कर रहे हैं और अभी भी जस्ट हम लोग मतलब पूरे जगह से बंद करते हुए अब 12 बजने वाला भी है, क्योंकि 12 बजे के बाद आह्वान है कि धीरे धीरे गाड़ी जो भी है वो बंदी के विराम देने का काम होगा। लेकिन जिस तरह से देश आज एक किसान के लिए सभी पार्टियां एक मत होकर के किसान को समर्थन कर रहे हैं, ये बहुत काबिले तारीफ की बात है। चूँकि नरेंद्र मोदी का ये कृषि कानून देश के किसानों को पसंद नहीं है, देश के किसानों के हित में नहीं है, ये कानून कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के लिए बनाया गया कानून है, इसलिए तमाम किसान जो है ये बंद करने का आह्वान किए हैं। उसमें हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी पूर्ण रूप से समर्थन दिया है और हम लोग आज सड़क पे उतरने का काम किए हैं। नारायण महतो जिला सचिव भी हमारे साथ है, काफी लंबा राजनीतिक अनुभव है। जनारायण दा, क्या लगता है, पहले जब भी बंदियां हुआ करती थी और बंदी का ऐलान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगर नाम आ जाया करता था, लोग स्वतः ही दुकानें डर के मारे बंद कर दिया करते थे। आज आप सड़कों पर बैठे हुए भी हैं लेकिन आपका डर दिख नहीं रहा, गाड़ियाँ चल रही। देखिए, पहले का बंदी हम लोग अलग, झारखंड राज्य का जो बंदी नाकेबंदी करते थे उसमें पत्ता भी नहीं हिलता था, उसमें पत्ता भी नहीं हिलता था, रोड में तो गाड़ी नज़र नहीं आती थी। अभी थोड़ा सा बंदी का स्टैंडर्ड रूप है और बहुत से लोग जो है आते जाते हैं और बंदी का डर थोड़ा सा कम है। लेकिन अभी हम लोग 6 बजे से झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति और पूरा जो है ना दल बल के साथ हम लोगों ने जब घूमा, पूरा आपका चास, आपका नायन, राम मंदिर सब जगह गए, तो जब हम लोग घूमे तब वो लोग बंद कर रहा था। पहले से बंद नहीं था लेकिन बंद किया, इसलिए डर थोड़ा सा ख़त्म हुआ है। और अभी भी JMM से डर लोगों का है, हम लोग का जब दल चलता है, झंडा जब देखता है तो वो लोग का भी सिहरता है। और अभी भी हम लोग अगर फिर पुराना रूप ले तो हम समझते हैं कि ये बंदी क्या पूरा बोकारो बंद करने में सफल रहेंगे। आज भी बंद, हम लोग जब घूमे तो पूरा चास पूरा बंद रहा। और ये किसान के काला कानून जो भाजपा सरकार, अरे मोदी सरकार ने जो है लाया है, वे समझ रहे हैं कि फिर हमको जो है 24 में फिर हम बैठेंगे, वह 24 में उखड़ेगा और जो है देश से जो है के गद्दी से निकलेगा और फिर जो है यहाँ UPA गठबंधन का जो है सरकार बनेगा और किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, मजदूरों के हित में सारा जो ये विधेयक जो ला के ये जो रोड में बेरोजगारों को लाने का काम किया है फिर स्थापित होगा, सभी को नियोजन मिलेगा, सभी को हक मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। PK चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं, काफी लंबा अनुभव रहा है राजनीति का, यूनियन का। सर, क्या लगता है, आपने लंबे चौड़े आंदोलन को देखा है, इस तरह की छोटी मोटी बंदियों से केंद्र सरकार पर कुछ असर पड़ पाएगा? देखिए, अभी वर्तमान जो केंद्र सरकार है वो हिटलर का याद दिलवाता है, लेकिन जब जनता आक्रोशित होता है और जनता के आंदोलन के फलस्वरूप ही
आपको हिटलर को भी जाके छुपना पड़ा था। जहाँ तक इस केंद्र सरकार की बात है, ये तो निरंकुश है। जनता को दिवा सपने दिखा करके 15 लाख हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, इन सब मुद्दों को जनता के सामने में रखा। जनता जो है आज पूरा अफसोस कर रही है कि हमने कैसे सरकार को सुन के वहाँ बैठाया है, जो देश को बेच रहा है। 70 साल में जो यूपीए गठबंधन कांग्रेस या यूपीए गठबंधन ने जो सुई से लेकर के हवाई जहाज या चांद और सितारा पर भेजने का काम किया, वो सारे संगठनों को, सारे औद्योगिक संस्थानों को मोदी सरकार बेचने की काम कर रही है। और इसी तरह कृषि कानून ला करके चंद पूंजीपतियों को पूरा जो है अनाज का भंडारण करने का हक अधिकार दे रहा है। यह खाली किसान का आंदोलन नहीं है सर, यह आंदोलन आम जनता का आंदोलन है। आप यह समझिए, जब अन्न अनाज अगर उत्पादन नहीं होगा, सही रूप में नहीं होगा, कम होगा, खाने वाले ज़्यादा होंगे, तो निश्चित रूप से महंगाई चरम सीमा पर बढ़ेगी। इस अध्यादेश में एक ठो सबसे बड़ा खतरनाक है को जो स्टॉक करने का कोई सीमा निर्धारण नहीं किया गया है। कहने का मतलब A to Z जो भी अनाज होगा उसको भंडारण कर लेगा। और इसमें एक क्लॉज जो दे दिया कि 1 साल तक आप रेट नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन दूसरे साल में आप रेट बढ़ा सकते हैं। जो गेहूं आज इस साल में 10 रुपये किलो वही सरकार अडानी अंबानी बेचेगा, अगला साल में 20 रुपया बेचेगा, तो जनता को जो खाना है तो उसको लेना ही है। तो इस तरह से ये आम जनता का आंदोलन है। किसान मोर्चा आगे बढ़ के इसको एक रास्ता दिखा रहा है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो गरीबों की, दलितों की पार्टी है, इसीलिए उसके भूख के चिंता ज़्यादा है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा तन मन से लगा हुआ है। जहाँ तक पहले का डर की बात है, अब डरने की बात नहीं, उस समय आंदोलन था। झारखंड आज सबसे बड़ा एम लेके झारखंड मुक्ति मोर्चा चला कि जिस झारखंड में खनिज संपदा भरा हुआ है वहाँ बेरोजगारी है, भुखमरी है, सड़क नहीं है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है। अच्छा सर हमारे साथ, क्योंकि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरा पैनल यहाँ बैठा हुआ है, आप देख ले झारखंड मुक्ति मोर्चा का तीसरा पीढ़ी भी यहाँ मौजूद है। जहाँ बीके चौधरी साहब ने बोकारो स्टील सिटी में झारखंड मुक्ति मोर्चा को पनपते देखा, शुरू से आंदोलन देखा, वहीं हीरालाल मांझी और जयनारायण दा ने बोकारो जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा को संवारने का काम किया। लेकिन इस आंदोलन में युवा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी भी है। एक नौजवान जी भी हमारे साथ हैं जिन्होंने अभी विस्थापित आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। फिरदौस जी, क्या लगता है युवाओं की सहभागिता इतनी कम क्यों नजर आ रही है? बिल्कुल, ये आंदोलन जो किसान के विरोध में, किसान के हित में जो आंदोलन के लिए हम लोग भाजपा के खिलाफ, जितने भी देश के गैर भाजपाई दल हैं, कुल 29 दलों ने पूरे भारत बंद का समर्थन किया है। और ये जो किसान का 3 काला कानून मोदी सरकार ने जबरदस्ती थोपने का काम किया है, जो किसान कह रहे हैं कि भैया ये कानून हमको नहीं चाहिए, ये मेरे हित में नहीं है, लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि ये फायदे का कानून है, आप लीजिए। जब किसान कह रहा है कि हमको ये कानून नहीं चाहिए, ये इसको जो है रद्द कीजिए, इसके विरोध में पिछले 9 महीनों से देश में आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें 500 से ज़्यादा किसानों की मृत्यु हो गई, लेकिन केंद्र सरकार किसी तरह का कोई सुनवाई करने का काम नहीं कर रहा है, जिसके विरोध में हम लोगों ने आज देश के कोने कोने में, जैसे आप यहाँ पे झारखंड में बोकारो में देख रहे हैं कि हम लोग चक्का जाम करने का काम किए हैं, लोगों का दुकान को बंद करने का काम किए हैं, और सबसे आह्वान कर रहे हैं कि किसान के समर्थन में आवे। तो सुना आपने, ये फिरदौस थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेता जो सुबह से नया मोड़ में किसानों के समर्थन में यहाँ बैठे हुए हैं। उसी तरह पूरे देश में करीबन 29 पार्टियाँ, जैसा फिरदौस बता रहे हैं, 29 पार्टियाँ, राजनीतिक पार्टियाँ इसके समर्थन में, किसानों के समर्थन में पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बंदी का कितना असर केंद्र सरकार पर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ GP मानसु, नया मोड़। बम्पर ऑफर, बम्पर ऑफर, बम्पर ऑफर। श्री श्री दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ महापर्व के अवसर पर माँ रोशनी गारमेंट्स का बम्पर डिस्काउंट ऑफर। आशा ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भारत सरकार NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त। एडमिशन गोइंग ऑन। बाबू साहेब ए फैमिली रेस्टोरेंट, कपल एंड फैमिली फ्रेंडली केबिन फैसिलिटी, इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन के लजीज व्यंजन आपकी सेवा में। बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार सेलिब्रेट करने की अच्छी सुविधा। NH 23 ITI मोड़, बोकारो रांची 4 लेन रोड, TLED मोड़ के समीप चास।